हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए 20 बाई 35 फिट का एक पश्चिम मुखी होम प्लान लेकर आया हूं और यह उम्मीद करता हूं कि यह जो प्लान है आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो यह इसका 3D है, आप लोग देख सकते हैं, और इसका भी मैं डायमेंशन प्लान आप लोगों को दिखा दूंगा तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। और इस प्लान में ही जो है आपको डायमेंशन दिया गया है, आप वहाँ से भी समझ जाएंगे, नहीं तो मैं आपको 2D प्लान दिखा देता हूँ बाद में। तो सबसे पहले इसका अंदर का लेआउट वगैरह आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यह फ्रंट है, यह है 20 फिट, और यह जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो लंबाई है वह है 35 फिट। और यहाँ से हम देखिए, यह रोड जा रहा है और यहाँ पे रैंप लगाया गया है। यह देखिए इसका जो है मुख्य डोर लगेगा, और यहाँ से हम एंट्री करेंगे ड्राइंग रूम में, और जो ड्राइंग रूम का साइज़ है वह है 9 फिट 6 इंच बाई 10 फिट का। ये देखिए यहाँ पे डायमेंशन लिखा गया है, और इसमें फर्नीचर का भी लेआउट किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। और देखिए यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो हॉल दिया गया है जिसका साइज़ है 9 फिट 6 इंच बाई 11 फिट का, और इसमें देखिए जो है डाइनिंग टेबल का लेआउट किया गया है, और इसको आप अपनी सुविधा के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे है, और यहाँ पे एक हैंड वॉश बेसिन भी लगाया गया है। यहाँ पे देखिए राइट साइड में एक स्टेयर केस दिया गया है, और इसको भी ऐश्वर वास्तु डिजाइन किया गया है, क्योंकि वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि जो सीढ़ी होती है वह हमेशा दाहिने हाथ की तरफ टर्न होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं। और यह जो है 6 फिट चौड़ा है। और यहाँ पर देखिए जो है किचन दिया गया है, जो साउथ ईस्ट के कॉर्नर में किचन बनाया जाता है, तो यहाँ पर किचन दिया गया है। इसका साइज है 6 फिट 7 इंच बाई 7 फिट 3 इंच का, और इसमें जो है किचन कैबिनेट अंदर सारा सब कुछ आपको ये देखिए लेआउट किया गया है यहाँ पर। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, ये देखिए एक मास्टर बेडरूम है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि मास्टर बेडरूम है जिसका साइज़ है 10 बाई 11 फिट का, और इसमें फर्नीचर का लेआउट किया गया है। बेड देखिए कितना खूबसूरत बेड लेआउट किया गया है इसमें। और ये देखिए यहाँ पे कॉमन टॉयलेट है जिसका साइज़ है 5 फिट 9 इंच बाई 5 फिट 7 इंच का, और इसमें जो है सारा WC और हैंड वॉश बेसिन ये सब जो है। यहाँ पे देखिए दो टैप भी लगाया गया है, वो हम नल बोलते हैं, तो सब कुछ एडजस्ट किया गया है। और यह जो इतना पीछे का पोर्शन है, यह पोर्शन यह OTS है, तो वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यदि है आपका घर चारों तरफ से खुला है तो आप इसमें चारों तरफ से देखिए इस तरह से कुछ विंडो लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लगा के आपको दिखाया है। तो दोस्तों यह रहा आज का एक छोटा सा प्लान, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ वह लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। यदि आप लोगों का कुछ कमेंट्स है तो कमेंट्स ज़रूर करें। यह प्लान कैसा लगा आप लोग बताना ना भूलें, और एक लाइक तो ज़रूर करें। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इस प्लान को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।